अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास वॉकर आई हुई है। इसके कार्बोरेटर का इशू है, कार्बोरेटर सही काम नहीं कर रहा। और यहाँ पे हमारे पास इसका जो नोज़ल है, डीजल नोज़ल, वो भी लीक कर रहा है। तो चलें आज इसका जो है मसला हल करते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी स्टार्टिंग चेक कर लेंगे कि स्टार्टिंग ले रही है नहीं ले रही। इसके जेट को भी चेक कर लेंगे, पेट्रोल थोड़ा बढ़ा के और कम करके भी चेक कर लेंगे, क्योंकि पेट्रोल ज़्यादा हो तब भी नहीं स्टार्ट होगी, पेट्रोल कम हो तब भी स्टार्ट नहीं होगी। तो ये स्टार्टिंग ले नहीं रही है, बिल्कुल स्टार्ट होते के साथ ही बंद हो जा रही है। यहाँ पे इसका कार्बोरेटर हम चेंज करने लगे हैं, तो इसका जो ऊपर का लीवर है वो दूसरे कार्बोरेटर में लगाएंगे। यहाँ से सेम कार्बोरेटर है, अब इसके ऊपर का डायफ्राम भी खोल लेंगे, प्लग भी खोल लेंगे। ये डायफ्राम खोल लेंगे और इसके ऊपर की जो सील है ये हमने नई लगा लेनी है। इसके अंदर का जो डायफ्राम है उसको भी साफ़ कर लेना है। और इसके अंदर देख सकते हैं पेट्रोल भी है, मतलब ये ओवर कर रही है पर स्टार्टिंग नहीं ले रही। यहाँ पे हम इसको सेल्फ़ मार के भी चेक करेंगे। सेल्फ़ आपने हमेशा एहतियात से मारना है, क्योंकि सेल्फ़ मारते के साथ ही यहाँ पे आग लग जाती है, तो इस चीज़ से एहतियात करना है। दूर होके फिर ही इसको सेल्फ़ मारे। यहाँ पे ये देखें किस तरीके से फ्लेम कर रहा है। इसका ये प्लग है, प्लग भी हम साफ़ कर लेंगे, अगर नया है तो वो भी डाल लेंगे। यहाँ पे प्लग हमने साफ़ कर लिया। डायफ्राम जो है, ये इसका डायफ्राम है, इसके स्पॉट आ रहे हैं ऊपर क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चला है, इसको साफ़ कर लेंगे। अगर अपने पास नया नहीं है तो इसको ही साफ़ करके दोबारा लगा लेंगे, ऊपर की जाली भी साफ़ करके दोबारा लगा लेंगे। यहाँ पे इसका हम करंट चेक कर लेते हैं, तो करंट तो बहुत ज़बरदस्त बता रहा है, अच्छे तरीके से करंट भी आ रहा है। करंट चेक हो गया। अब यहाँ पे हम ओवरऑल की टेस्टिंग करने लगे हैं, और ये हम जब पुश करें तो इसका सही है।